हिटलर जो है अब वो रोल में आ गए, हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर पावर में कैसे आया भाई वो हम पढ़ेंगे। अब हिटलर, हिटलर नाम का प्राणी कहां से आया? तो अब डिक्टेटरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, विमर रिपब्लिक जो है वो फेल हो गई है, हिटलर रोज टू पावर। अब हिटलर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1889। हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और उसकी पूरी जो यूथ थी, ठीक है, पूरी जो जवानी थी वो किसमें बीती थी? गरीबी में, इन पॉवर्टी। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने अपने आप को एनरोल किया था आर्मी के लिए। एक्टेड एज अ मैसेंजर, और किसका काम कर रहा था? एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, ठीक है, जो एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट एंड बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स। और फिर वो कॉर्पोरल में आया और उसने बहुत सारे मेडल्स जीते फॉर द ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए उसको बहुत सारे मेडल्स दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद जो जवानी थी वो तो हम बोल सकते हैं, यूथ जो था वो तो उसका बिल्कुल गरीबी में बीता। हिटलर ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप, हिटलर ने एक स्मॉल छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था कॉल द जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919 की बात कर रहे हैं। हिटलर ने छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919, ठीक है। एंड ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और उसने ऑर्गेनाइजेशन को टुक ओवर किया एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और ठीक है, उसको टेक ओवर करके ही टुक ओवर द पार्टी एंड नेम्ड अगेन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये नाम उसने बदल के ये नाम रखा, राइट, विच लेटर केम टू बी नोन एज, जिसको हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो इन 1923 में उसने प्लान किया टू सीज कंट्रोल ऑफ बैवेरिया, ठीक है, कि भाई वो क्या करेगा, किसको कंट्रोल करेगा? बैवेरिया। मार्च टू बर्लिन, ठीक है, और फिर वो कहां गया? बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और वहां से उसको पावर मिली। सो ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जैसे हम बात करें ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया था, उसको उस पीरियड को हम बोलते ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। सो नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट, तो उस टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो नाजिज्म जो नाजी पार्टी थी वो रोल में आ गई थी एंड दे लॉन्च अ मास मूवमेंट। एंड आफ्टर 1929 के बाद तो बैंक्स भी कोलैप्स हो गए थे, बिजनेसेस शट डाउन, बिजनेस जो थे वो बंद हो गए थे, वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब को खो दी थी। सो वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लासेस were threatened, और जो मिडिल क्लासेस थी वो डर गई थी अंदर से विद डेस्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि उनकी भी रैंकिंग क्या हो रही थी? लोअर हो रही थी, या फिर वो भी अनएम्प्लॉयड ही हो रहे थे। सो इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा स्टर्ड होप्स, तो यहाँ पे जो हिटलर था उसका जो प्रोपोगेंडा था, नाजी पार्टी का जो प्रोपोगेंडा था, ठीक है, उससे लोगों को होप आई कि ये संभाल सकता है और ये बेटर फ्यूचर हमें दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी हो रही थी जर्मनी में, ठीक है, वहां पे लोगों को होप नजर आई कि नाजी कुछ कर सकता है, बिकॉज हिटलर जो था ही वो द वेरी पावरफुल स्पीकर एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, और उसके जो शब्द होते थे उससे लोग मतलब हिल जाते थे, इतना पावरफुल स्पीकर था, इतना पावरफुल डिक्टेटर था हिटलर। सो इन हिज स्पीच, उसकी स्पीच में उसने प्रॉमिस किया कि ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द इनजस्टिस, ठीक है, उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा और जो भी इनजस्टिस हुआ है, वर्सलिस ट्रीटी जो साइन हुई है उसमें जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको वापस से कैंसिल करेगा एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, और वापस से क्या स्टोर करेगा, रीस्टोर करेगा जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट गया है, डिग्निटी जो भी गई है जर्मन पीपल की, उसको वापस से वो क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया। और ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट स्पीकर, ठीक है, ही ऑल्सो प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा जो भी वर्क ढूंढ रहे हैं एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और यूथ के लिए वो क्या करेगा, फ्यूचर भी सिक्योर करेगा। तो ये प्रोमिसेस हिटलर ने किए, ही प्रोमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन, उसने और भी प्रोमिसेस किए, ही प्रोमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस थे उनको वो हटाएगा एंड रेजिस्ट
ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज, जो भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज हो रही है जर्मनी पे उसको वो रेजिस्ट करेगा अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ये सारे प्रोमिसेस हिटलर ने किए एंड हिटलर स्टार्टेड फॉलोइंग, हिटलर ने क्या स्टार्ट किया, हिटलर स्टार्टेड फॉलोइंग अ न्यू स्टाइल ऑफ व्हाट, पॉलिटिक्स। और इससे उसने क्या किया, एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी एंड हिज फॉलोवर्स और जो भी उसके फॉलोवर्स थे हेल्ड बिग रैलीज, ठीक है, जो भी उसके फॉलोवर्स थे वो बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे थे एंड पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट, ताकि लोग बाग उसको क्या करें, सपोर्ट करें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द नाजी प्रोपेगेंडा, अगर हम नाजी प्रोपेगेंडा की बात करें तो हिटलर जो था, हिटलर वॉज कॉल्ड अ मसीहा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्राइसिस थी जर्मनी में कि जब इतने सारे प्रोमिसेस कोई कर रहा है तो लोगों के लिए, तो वो क्या था, उसको क्या नाम दिया, मसीहा, अ सेवियर, जो सबको सेव करने आया है, जर्मनी को सेव करने आया है, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल, जो आया है, जो मसीहा है, जो सेवियर है, वो आया है, क्यों आया है, टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, उनको अपने परेशानियों से निकालने के लिए। मसीहा का क्या रोल होता है, जीसस क्राइस्ट का क्या रोल था, ठीक है, यीशु मसीह जो हम बोलते हैं इनको, ठीक है, कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए वो आया है लोगों के लिए, तो वो मसीहा बन गया था क्योंकि उसने इतने सारे प्रॉमिसेस किए, ठीक है। अब स्टार्ट होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हिटलर ने ये तो प्रॉमिसेस किए, लेकिन हिटलर क्या चाहता था कि डिक्टेटरशिप लागू, लेकिन आपको पता है कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप नहीं थी, ठीक है, विमर रिपब्लिक था और कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। जो हिंडेनबर्ग था उसने ऑफर द चांसलरशिप, जो हिंडेनबर्ग था प्रेसिडेंट, उसने ऑफर किया हिटलर को चांसलरशिप ऑन 30 जनवरी 1933, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, वो उसको ऑफर किया, ठीक है, हिटलर को, किसको ऑफर किया, हिटलर को ऑफर किया। द फायर डिक्री ऑफ, जो फायर डिक्री थी ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड, जो फायर डिक्री थी 28 फरवरी 1933 को सस्पेंड कर दिए थे सिविक राइट्स सस्पेंड कर दिए थे, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आप खुल के बोल नहीं सकते, आपको पता है सेंसरशिप लग गई यहाँ पे प्रेस, एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड, ठीक है, दैट हैड बीन गारंटेड बाय द विमर रिपब्लिक, तो विमर रिपब्लिक ने तो गारंटेड दिया था, ठीक है, विमर कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन अब यहाँ पे उसको भी ले लिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया गया, फ्रीडम ऑफ जो दे रखा था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसको अब ले लिया गया। ऑन 3rd मार्च 1933 जो फेमस इनेबलिंग एक्ट था वो पास किया गया, जहां पे विच एस्टेब्लिश, ठीक है, इनेबलिंग एक्ट आएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पास किया जहां पे उसके पास होते ही क्या एस्टैब्लिश हो गई जर्मनी में, डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, विच एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, ठीक है। द स्टेट टुक कंट्रोल, जो स्टेट मींस यहां पे नाजी पार्टी की बात हो रही है, द स्टेट टुक कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का जो पूरा कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ गया, हिटलर के हाथ में आ गया, मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशरी, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन, यह आपका आएगा, गेस्टापो आएगा, अभी अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द व्हाट और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, ट्रूप्स होते हैं छोटी छोटी टुकड़ियां, सैनिकों की जो टुकड़ियां होती है उनकी बात कर रहे हैं, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, गेस्टापो क्या है, एक सीक्रेट स्टेट पुलिस है, ठीक है, सीक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस यहां पे क्या है, द प्रोटेक्शन, सीक्रेट पुलिस लगा दी थी, अभी देखेंगे आप, जो उसको वो गैस चैम्बर्स में ले जाके मारता था, द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस, इसका नाम रखा गया शॉर्ट फॉर्म एसडी, एब्रिविएशन, ठीक है, राइट, एसडी। तो यहां पे आप देखिए कि हिटलर ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या किया, उसने कैसे कंट्रोल किया वहां पे, कैसे डिक्टेटरशिप लागू की जर्मनी। Thank you.